नमस्कार छात्रों, आज आठवीं कक्षा के हिंदी में हम अगली गजल देखेंगे। तो गजल का नाम है जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए और प्रस्तुत गजल के रचनाकार है रमेश दत्त शर्मा जी। तो देखते हैं प्रस्तुत गजल में प्रस्तुत गजल में जो शेर है उन शेरों के माध्यम से रमेश दत्त शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना और मधुरभाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। यानी कि इस गजल में जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, इस गजल में शर्मा जी ने हमें प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, यानी कि हर किसी से बात करते समय हमें प्रेम से प्यार से ही बात करना चाहिए और सही समय पर बोलने से पहले विचार करना। यदि हम किसी से बात कर रहे हैं तो वो बात करने से पहले हमें विचार करना चाहिए, आत्मनियंत्रण रखना, किसी से भी बात करते समय हमें स्वयं पर आत्मनियंत्रण रखना होता है और मधुर भाषी होना, यानी कि प्यार से बोलना या किसी से भी बोलते समय मीठी बातें बोलना, इन गुणों को अपनाने के लिए शर्मा जी ने हमें यहाँ पर प्रेरित किया है। आपका मानना है, यानी कि शर्मा जी का मानना है कि हमेशा होड़ सीकर बैठना भी उचित नहीं है, आवश्यकता अनुसार आक्रोश प्रकट करना भी जरूरी है। यानी कि हम सबसे प्रेम से बोलेंगे, सही समय पर बोलेंगे, बोलने से पहले विचार कर बोलेंगे, आत्मनियंत्रण रखकर बोलेंगे और मधुरभाषी बोलेंगे, सबसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे। इसके अलावा हम किसी से बात न करें यह बात भी यहाँ पर गलत है, यह कहना है शर्मा जी का। तो शर्मा जी क्या कहते हैं कि हमेशा ओठ सीकर, यानी कि ओठ सीकर यानी कुछ नहीं बोलना, हमेशा ओठ सीकर बैठना भी उचित नहीं है, आवश्यकता अनुसार हमें आक्रोश प्रकट करना भी चाहिए, वह हमारे जीवन के लिए जरूरी है। यानी कि हम सबसे यदि मीठी ही बोली बोलते रहे तो हम वहां पर गलत साबित हो सकते हैं, यानी कि आवश्यकता अनुसार हमें आक्रोश भी प्रकट करना चाहिए। यदि हम पर, खुद पर, स्वयं पर कहीं पर अन्याय अत्याचार हो रहा है तो वहां पर आवश्यकता अनुसार हमें आक्रोश भी प्रकट करना चाहिए, यह प्रस्तुत गजल में शर्मा जी ने हमें बताने का प्रयास किया है। तो देखते हैं प्रस्तुत गजल में शर्मा जी किन शेरों का इस्तेमाल कर हमें यह बातें समझाने का प्रयास करते हैं। वाणी में शहद बोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। वाणी यानी हम जो बात करते हैं, हम जो बोलते हैं उसे वाणी कहते हैं। वाणी में शहद बोलना यानी कि हमारी जो वाणी है उस वाणी में मिठास बोलना सीख लीजिए। यानी कि हम किसी से भी बात करते हैं तो मिठास से मीठी बातें करना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। यानी कि हम जो बात करते हैं वह बात मिठास भरी बात होनी चाहिए और सभी से हमें प्यार से बोलना सीख लेना चाहिए। वाणी में शहद बोलना सीख लीजिए, यानी कि किसी से भी बात करते समय हमें मिठास भरी बातें करनी चाहिए, यानी कि हमारी वाणी में शहद घुला हुआ चाहिए। यानी कि जिस तरह से शहद मीठा होता है उसी तरह से हमारी बातें भी शहद की तरह यहाँ पर मीठी होनी चाहिए। वाणी में शहद बोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। तो अगले शेर में क्या कहते हैं देखो, चुप रहने के अलावा बड़े फायदे हैं जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। यानी कि दोस्तों शर्मा जी यहाँ पर कह रहे हैं दोस्तों चुप रहने के अलावा बड़े फायदे हैं, यानी कि हम हमेशा जो बात करते रहते हैं वो हमेशा बात करने से अच्छा है हम चुप रहे, इस चुप रहने के बड़े ही फायदे हैं। हमेशा ही चुप रहना है नहीं, समय पर बोलना सीखना चाहिए, यानी कि चुप रहने के भी यारो बड़े फायदे हैं, जुबान पर वक्त खोलना सीख लीजिए। यानी कि हमेशा बात करने से अच्छा है जुबान हमें वक्त पर खोलनी चाहिए, जब हमें जरूरत है तभी बोलना चाहिए। यानी कि चुप रहने के तो हमें बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जुबा हमेशा वक्त पर ही खोलनी चाहिए। यानी कि जुबा वक्त पर खोलने से हमें फायदे भी हो सकते हैं, चुप बोलने से भी हमें फायदे हो सकते हैं और असमय ना बोलने के फायदे, यानी कि चुप रहने से यार वो बड़े फायदे होते हैं। यानी कि असमय हमें बोलना तो नहीं चाहिए, इसके अलावा जब आवश्यकता है तब आवश्यकता के अनुसार हमें जुबा खोलनी चाहिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तोड़ना सीख लीजिए। यानी कि जब हम किसी से कोई बात कर रहे हैं तो वह बात करने से पहले जरा सोचिए, यानी कि किसी
किसी भी हम कुछ बात कर रहे हैं तो वह बात करने से पहले जरा सोचकर बात कीजिए, कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, यानी कि बात करने से पहले हमें वहां पर सोचना है, ख्यालों को खुद तोड़ना सीख लीजिए, यानी कि हमारे जो ख्याल है उन ख्यालों को खुद पहले तोड़िए, उन्हें नापिए और उसके बाद ही बात कीजिए, यानी कि कुछ कहने से पहले जरा सोचिए और सोचने के बाद ही सामने वाले से बात कीजिए, या किसी भी व्यक्ति से बात करने से पहले, कुछ कहने से पहले जरा सोचिए और सोचने के बाद ही बात कीजिए, यानी कि ख्यालों को खुद तोड़ना सीख लीजिए, यानी कि हमारे जो ख्याल है उन ख्यालों से किसी को हानि तो नहीं पहुंचेगी, यह पहले बात सोचिए, या हमारे ख्याल जो हम दूसरों के सामने बोलने वाले हैं वो बोलने से किसी को हानि तो नहीं पहुंच रही है, इस बात को सोचिए और यह बात सोचकर ही अपनी जुबान खोलिए। तू तड़ा हो या फिर हो तू तू मैं में अपने आप को टोकना सीख लीजिए, यानी कि किसी के साथ तू तड़ा हो यानी कि किसी के साथ झगड़ा हो, तू तड़ा हो या फिर हो तू तू मैं में यानी कि किसी के साथ झगड़ा हो या किसी से बातचीत में बातचीत हो, बड़ी जोरों से बातचीत हो, तू तड़ा हो या फिर हो तू तू मैं में, तब अपने आप को टोकना सीख लीजिए, यानी कि हमारी यदि किसी के साथ तू तू मैं में होती है तब अपने आप को टोकना सीख लीजिए, यानी कि यह तू तू मैं में जो हुई है यह तू तू मैं में होने की वजह मैं खुद हूँ, यह बात सीख लीजिए, अपने आप को टोकना सीख लीजिए, यानी कि यह बात तू तू मैं में जो हुई है या तू तू मैं में या तू तड़ा जो हुआ है यह सिर्फ मेरी वजह से हुआ है, इसके लिए मैं दोषी हूँ, यह अपने आप को टोकना सीख लीजिए, यानी कि इस बात के लिए मैं खुद दोषी हूँ, यह बात सीख लीजिए, यानी कि अपने आप को टोकना यहाँ पर सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए, यानी कि यदि हमें किसी बात का गुस्सा भी आता है तो गुस्सा आने से हम पटाखे की तरह फूट जाते हैं, यानी कि हम गुस्सा निकाल देते हैं, उसे ही पटाखे की तरह फटना यहाँ पर कहा गया है, लेकिन यह पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए, यानी कि पटाखा फूटने से आवाज तो बड़ी होती है, यानी कि हमारा गुस्सा भी जब बाहर आता है तो इसी तरह से आवाज होती है, या हमारा गुस्सा पटाखे की तरह ही बाहर आता है, लेकिन पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए, यानी कि जब पटाखा फूटता है तो आवाज भी आती है, लेकिन वही पटाखा आकाश में बहुत सारे रंग बिखेरता है, यानी कि उसी तरह से हमें भी पटाखे की तरह फूटने से पहले जिस तरह से पटाखे की तरह हम गुस्सा निकालते हैं वह गुस्सा निकालने से पहले हमें रोशनी के रंग बोलना सीख लेना चाहिए, यानी कि आकाश में या हमारे अगल बगल में जो लोग हैं उनमें रोशनी के रंग बोलना हमें सीख लेना चाहिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुण रोपना सीख लीजिए, यानी कि हम जिस किसी से भी कटु वचन बोलते हैं तो वह कटु वचन बोलने से हम सदा काटे ही बोते हैं, यानी कि हम किसी से कटु वचन बोलते हैं तो उसके मन को चोट पहुंचती है, उसके दिल पर चोट आती है, यानी कि कटु वचन बोलने से हम सदा काटे बोते हैं, हम जिससे भी कटु वचन कहते हैं उन कटु वचनों से वह हमारी राहों में काटे ही बिखा देंगे, उसी वजह से हमें मीठी बोली के गुण रोकना सीख लेना चाहिए, यानी कि कटु वचन यदि हम किसी से कठोरता से बात करते हैं कटु वचन बोलते हैं तो वह व्यक्ति हमारी राह में कांटे ही बिछाएगी, इसी वजह से हमें किसी से भी कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, मीठी बोली के गुण रोकना सीख लीजिए, यानी कि यदि हम कटु वचन के अलावा हर किसी से यदि मीठी बोली बोलने लगे तो वह हमारे राह में गुल रोपना रोक देंगे, यानी कि यहाँ पर मीठी बोली की वजह से सभी लोग हमारे राह में कांटे नहीं बिछाएंगे, वह गुल के यानी कि मीठे मीठे रोप भी लगाएंगे, यानी कि मीठी बोली की वजह से हमारी राह आसान हो जाएगी, यदि हम कटु वचन इस्तेमाल करेंगे तो हमारे राह में कांटे ही लगा लेंगे। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदलकर उसे मोड़ना सीख लीजिए, यानी कि यदि
इन सारी बातों से, मीठी बातों से भी यदि कोई हमें बात चुभने लगी है, यदि हम किसी से मीठी बातें करने लगी है, किसी आत्मनियंत्रण में आकर बातें करने लगे, फिर भी यदि कोई बात हमें चुभने लगे, बात बेबात कोई बात चुभने लगे, तो बदलकर उसे मोड़ना सीख लीजिए। यानी कि बात बेबात पर यदि कोई बात हमें चुभ रही है तो उसे बदलकर उसे मोड़ना भी सीख लीजिए। यानी कि यदि हम अच्छी तरह से मीठी बातें कर भी को यदि कोई बात हमें चुभा रहा है तो उसे बदल कर उसे मोड़ना भी यहाँ पर सीख लेना चाहिए। यह किसने कहा, यह किसने कहा, फोट सीख करके बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। यानी कि यह किसने कहा है, इस बात से हमें कुछ लेना देना नहीं है। यह किसने कहा फोट सीख करके बैठो, यह किसी ने भी बोला हो, यह बात हमें किसी को बोली नहीं है। यह किसने कहा फोट सीख करके बैठो, ये बात जो कटु बात है वो किसने की है। यदि दो व्यक्ति में तू मैं हो रही है और वह आपसे पूछती है कि यह बात किसने कही है, तो ये किसने कहा यह हमें जानना ही नहीं है और किसी को बताना भी नहीं है। इसीलिए उस वक्त हमें होश सीख करके बैठना है और जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। यानी कि हमारे सत्य वचन बोलने से यदि किसी को फायदा हो सकता है या अच्छा हो सकता है, तब उस वक्त जरूरत पे मुंह खोलना भी सीख लेना चाहिए। यानी कि हमारे बोलने की वजह से यदि किसी में कुटुम्बमय होता है या कुतड़ा होता है, तब हमें चुप रहना ही अच्छा है, होंठ सीकर बैठना ही वहां पर अच्छा है। होंठ सीकर बैठना यानी चुप रहना। और यदि हमारे बोलने से, हमारे सत्यवचन बोलने से या हम जो मीठी बातें कर रहे हैं उस मीठी बातें करने से यदि किसी का फायदा हो सकता है, उसे उपयोग हो सकता है, तो जरूरत पर उस वक्त पर मुंह खोलना भी हमें सीख लेना चाहिए। यहाँ पर जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। रमेश दत्त शर्मा की गजल खत्म होती है।